गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इस वीडियो में हम क्लास एथ का चैप्टर फोर विच इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री उसकी एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है उस वीडियो में सारी तरीके के कंस्ट्रक्शन जो भी इस चैप्टर में होने वाली है या प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का मतलब क्या है वो सब मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप जाके उसको देख लीजिए तो ये ऑब्वियसली अब ये चैप्टर है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तो कंस्ट्रक्शन मैं बोर्ड पे इतने अच्छे से तो शो नहीं कर सकती सो so, यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा के और उसके उसका एक रफ स्केच बना दूंगी ताकि आपको वो पता लग पाए कि आपको किस तरीके से वो बनाना है और एट दी एंड यहाँ पे एक रफ स्केच होगा एट द एंड यहाँ पे मैं सारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दूँगी और आपको रीड करके बता दूंगी तो एक क्वेश्चन में एक वीडियो में हम एक फर्स्ट uh, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे ऐसे ही फर्दर सेकेंड थर्ड फोर्थ अलग अलग वीडियोज़ में आएगा क्योंकि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हमको लिखने हैं तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन विच इज हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी तो हमेशा ये चीज याद रख लो जब भी आपके पास आ जाए ऐसा क्वेश्चन आपको सबसे पहले क्या करना है रफ में ए बी सी डी ये मैं आपके लिए भी बता रही हूँ मेन जो है वो मैं यहाँ पे बनाऊंगी ये सिर्फ मैं रफ आपके लिए बता रही हूँ हमेशा नेमिंग इस तरीके से करनी है ए बी सी डी अगर पी क्यू आर एस है तो पी क्यू आर एस इस तरीके से नेमिंग करनी है उसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन की जो जो हमें मेजरमेंट गिवन है ए बी आपको गिवन है फोर पॉइंट फाइव तो आप रफली यहाँ पे बना के देखिए कि ए बी यहाँ बन जाएगा बी सी आपको गिवन है फाइव पॉइंट फाइव बी सी लेकिन आपको ये नहीं पता ना एंगल क्या है तो क्या करेंगे देखो अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा फेयर करके बताती हूं ए बी अब आपको ये 4.5 गिवन है ए बी तो आपने ए बी 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर दिया अब आपको बी से C पे पहुंचना यानी कि B से C पे पहुंचना है और वो कितना है 5.5 सेंटीमीटर तो ऐसा नहीं है कि आप एक स्ट्रेट लाइन बना दोगे नहीं क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है क्वाड्रिलेटरल का मतलब है यहाँ पे कोई भी एंगल हो सकता है वो लाइन ऐसे भी जा सकती है ऐसे भी जा सकती है ऐसे भी जा सकती है तो अब आपको पता तो है नहीं कि किस तरीके से लाइन बनाएंगे तो बी से लेके जो सी तक यानी कि बी से जो सी तक हमें एक 5.5 की लाइन बनानी है वो किस तरीके से बनाएंगे हम आर्क लगाएंगे अभी के लिए उसको क्या करेंगे आर्क लगाएंगे तो बी से लेके सी तक के लिए आपको स्केल लेना है और 5.5 का मेजरमेंट लेना है एक स्केल रख लिया और उसके पास आपने कंपस से जो पेंसिल का डिस्टेंस है वो 5.5 का रखना है और फिर यहां से एक 5.5 पॉइंट फाइव की यहाँ पे सी पे आर्क लगानी है फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां से 5.5 पॉइंट फाइव की आर्क लगा ली यहाँ पे ऐसे आर्क लग जाएगी नेक्स्ट इज आर्क कुछ सीधी लगेगी इस तरीके से नहीं लगेगी जब आप बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा आर्क लगेगी कुछ इस तरीके से ठीक है नेक्स्ट इज सी डी गिवन है देखो सी डी गिवन है क्या आप सी डी ड्रॉ कर सकते हो नहीं क्योंकि आपके पास यहाँ पे पॉइंट ही नहीं है जब तक यहाँ पे क्रॉस नहीं बनेगा तब तक आप उस लाइन को जब यहाँ पे क्रॉस नहीं बनेगा इस लाइन को यहाँ ज्वाइन नहीं कर पाओगे ज्वाइन नहीं कर पाओगे तो वहाँ पॉइंट नहीं बनेगा पॉइंट नहीं बनेगा तो सी कैसे ड्रॉ करोगे ना तो अभी सी को हम रोक देते हैं मैं ऐसे बॉक्स बना देती हूँ जिसको मैंने अभी पेंडिंग में रखा हुआ है फिर आता है ए डी ए डी यानी कि ए डी तो यहाँ पे आपको सिक्स सेंटीमीटर गिवन है तो आपने अगेन जैसे यहाँ पे हमने बी से लेके सी की आर्क लगाई ऐसे ही ए से डी की आर्क लगानी है कुछ इस तरीके से जो कि है सिक्स सेंटीमीटर अगेन आपने पेंसिल पे सिक्स सेंटीमीटर की लेंथ ओपन करनी है और ए से लेके सिक्स सेंटीमीटर की यहाँ पे आर्क लगा देनी है ठीक है अब ए डी हो गया रेस्ट इज ए सी ए सी का मतलब है ये डायग्नल ये वाला डायगनल तो ये डायगनल आ गया अब देखो डायग्नल कितना है ए सी है सेवन सेंटीमीटर ए सी जो होगा ये रफ है आपका A, जो होगा वो सेवन सेंटीमीटर होगा तो अब आपको क्या करना है स्केल से सेंटीमीटर ओपन करना है अपने कंपस में यहां पे ए पे रख के आपने सी पे सेवन सेंटीमीटर की आर्क लगा दी क्लियर हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ ये क्रॉस बन गया दैट मीनस ये पॉइंट है आपका सी अब यहाँ से आप बी को ज्वाइन कर दीजिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं है आई नो बट आप स्ट्रेट बना लेना ऑब्वियसली यू कैन स्कूल यू कैन यूज स्केल ओवर दै अब हमारे पास बचता है सी डी सी और डी पॉइंट यहाँ पे है तो सी का जब हमारे पास एक सेंटर आ गया मैं इसको स्ट्रेट कर देती हूँ थोड़ा सी से जब हमारे पास पॉइंट आ गया तो हम ए सी डी वाली आर्क लगा सकते हैं सी से लेके यहाँ पे कितना है फोर सेंटीमीटर तो फोर सेंटीमीटर आपको क्या करना है सी से फोर सेंटीमीटर की आर्क लगा देनी है ये पॉइंट जो क्रॉस हो गया ये बन गया डी ठीक है अब डी से ए को ज्वाइन कर दो डी से सी को ज्वाइन कर दो और एक और चीज गिवन थी ए सी तो ए से सी को ज्वाइन कर दो ये आपका बनेगा क्वाड्रिलेटरल और एंड में आपको ए बी फोर पॉइंट फाइव बी सी फाइव पॉइंट फाइव सी डी फोर सेंटीमीटर ए डी सिक्स सेंटीमीटर एंड ए सी सेवन सेंटीमीटर ये आपने मेजरमेंट लिखनी है तो आई होप आपको समझ आया होगा सी थोड़ा आपको लगेगा कि मुझे पता कैसे चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना उसी के लिए आपको रफ बनाना है अब रफ बनाते क्या होगा मैं बताती हूँ आपने लिख लिया ए बी सी डी ए बी बना लिया बी सी के लिए आपको ओब्वियसली एक आर्क बनानी पड़ेगी अब सी पर अब आप नेक्स्ट जो मेजरमेंट है वो है सी डी लेकिन सी डी तो आप बना ही नहीं सकते तो उसको आप अपने आप ही छोड़ना ही पड़ेगा और कोई चांस ही नहीं है फिर आता है ए डी ए डी भी हम बना सकते हैं तो डी से यहाँ पे आर्क लगा दी उसके बाद ए सी गिवन है ए सी भी हम बना सकते हैं ए पे रख के सी पे आर्क लगा सकते हैं फिर इसको ज्वाइन कर दो यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दो अब आपका बचेगा कि भाई इसको कैसे ज्वाइन करें तो जो हमारी अभी मेजरमेंट छोड़ दी थी हमने विच सी डी फोर सेंटीमीटर सी पे रख के डी पे फोर की आग लगाओगे तो वो भी ज्वाइन हो जाएगा और एट द एंड आपके पास आपका कंस्ट्रक्शन हो जाएगी ठीक है ये स्टार्टिंग है ठीक है ऐसे ही आगे क्वेश्चन आते जाएंगे जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे वैसे वैसे आपको बहुत इजीली उसके आंसर मिलते चले जाएंगे सो so, अब मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे इरेज कर रही हूँ और यहाँ पे मैं आपके लिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख रही हूँ सो नाउ का यहाँ पे है आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लोग शायद हो सकता है बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि बहुत मुश्किल होते हैं कुछ भी मुश्किल नहीं होता स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बेसिकली वही है आपने जैसे जैसे इसको ड्रॉ किया है वैसे वैसे आप उसको लिखिए ठीक है हो सकता है बुक से अलग हो कोई प्रॉब्लम नहीं है हो सकता है जो आपके टीचर लिखवाए उससे अलग हो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टेटमेंट ठीक होना चाहिए जैसे कि

देखा था जैसे मैंने ड्रॉ किया था आप देख सकते हैं ए डी ड्रॉ किया था बाद में तो नाउ ए से लेके हमने डी तक सेंटीमीटर की आर्क लगाई विद ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ सिक्स सेंटीमीटर टू मेक ए डी राइट नाउ फ्रॉम ए ए से फिर हमने डायगनल हमें डायगनल वाली मेजरमेंट मिली थी नाउ फ्रॉम ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ सेवन सेंटीमीटर डायगनली टू सी ठीक है नाव फ्रॉम ए ड्रो एन आर डायग्नली ऑफ सेवन सेंटीमीटर टू सी नाओ ज्वाइन ए सी ए सी ज्वाइन कर दिया हमारे पास ये पॉइंट मिल गया ज्वाइन बी सी बी सी ज्वाइन कर दिया नाओ अब हमें बनानी थी ये वाली लाइन उसके लिए हमने क्या किया विद सी ड्रो एन आर को फोर सेंटीमीटर टू डी तो विद सी ड्रो एन आर को फोर सेंटीमीटर टू मेक सी डी सी डी बन गया नाओ जॉइन सी डी बात सेट दी एंड ज्वाइन ए डी तो इस तरीके से आपको अपना एक क्वाडिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है ये दिस इज दिस वॉज द ओनली फर्स्ट पार्ट आगे आने वाली वीडियो में सेकेंड थर्ड फोर्थ सारे पार्ट होंगे धीरे धीरे आपको ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यदि ईजी लग रहे हैं आप ऐसे लिख लो आपको इससे भी ईजिएस्ट वे में लिखना है आप वैसे लिख लो बस आपको स्टेप्स लिखने होंगे स्टेप्स क्यों लिखने होते हैं उसका रीज़न ये होता है क्योंकि कई बार हम इसको बना देते हैं देख के हमारे माइंड में बैठ जाता है कि हाँ ये इस तरीके की फिगर बनेगी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन से ये पता लगता है किसी को भी कि आपको वो चीज़ समझ आई है या नहीं आई है दैट डजेंट मैटर कि आप बिल्कुल सेम स्टेटमेंट लिख रहे हो या नहीं ठीक है आप इस तरीके से लिखना चाहते हो इस तरीके से लिख लो स्कूल में अगर टीचर जो करा रही है वो इजी लग रहा है वो लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है बस आपको कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखने हैं कैसे कैसे आपने ये फिगर कंस्ट्रक्ट की है याद रखिएगा रफ फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है रफ में बनाने के बाद फेयर बनाना तो कन्फ्यूजन नहीं होगी अगर डायरेक्टली फेयर पे आओगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे और वो बार बार इरेज करते रहोगे सो दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो आई होप आपको क्वेश्चन uh, समझ आ गया होगा अगर, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो रेड बटन है उसको प्रेस कर दो और लाइक like कर देना वीडियो को और कमेंट करके बता देना आपको ये समझ आ गया या नहीं